वाराणसी नगर में लगातार असामाजिक तत्वों के हरकतों से लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में नगर के एफसीआई मैदान में लगी प्रदर्शनी में 31 अगस्त की रात में एक व्यापारी परिवार के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया, जिसको लेकर व्यापारी परिवार में बेहद ही आक्रोश व्याप्त है, जिसके तहत व्यापारियों के द्वारा 2 सितम्बर को पुलिस थाना वाराणसी में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप कर असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्यवाही करने की मांग की। वहीं 3 सितंबर को व्यापारियों ने इस प्रकार की असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों के विरोध में वाराणसी बंद का आह्वान कर दिया है। ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि नगर के एफसीआई मैदान में प्रदर्शनी लगी हुई है, जहां पर बड़ी संख्या में झूले और मनोरंजन के साधनों का आनंद लेने के लिए नगर सहित क्षेत्र की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। जहां पर गत दिनों नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर प्रदर्शनी का आनंद लेने के लिए 31 अगस्त को रात्रि करीब 8:30 बजे गए थे। यहाँ पर शान कुमरे नामक व्यक्ति का अपने 5-6 साथियों के साथ उस व्यापारी व्यक्ति की महिला के साथ धक्का मुक्की करने लगे थे। तब उससे व्यापारी व उसके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा समझाइश देकर बीच बचाव की कोशिश की गई थी। तो शान कुमरे अपने साथियों के साथ व्यापारी व्यक्ति के परिवार के साथ अश्लील गालियां गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगा। ज्यादा वाद विवाद की स्थिति होने पर उसने अपने साथियों के साथ मौके से वह फरार हो गया। जबकि नगर में हर किसी को पता है कि जब से प्रदर्शनी प्रारंभ हुई है, तब से वहां पर असामाजिक तत्वों के द्वारा महिलाओं व बच्चियों के साथ छेड़छाड़ व धक्का मुक्की की घटनाएं घटित हो रही है। ऐसे में उनकी मांग है कि शान कुमरे और उसके साथियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा प्रदर्शनी स्थल पर भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। राजनीतिक संरक्षण भी तो मत दो ऐसे लोगों को। आपके तरफ से कमी नहीं है सब, मैं बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है शहर में। एक छेड़छाड़ की घटना को लेके आते हैं तो एक वार्ड नंबर 4 का पार्षद आके खड़ा हो जाता है, अंदर का पैर लेके किनको छोड़ा जाए करके। पूरे के पूरी लेडीज आके रोड पे बैठ जाती है, उनकी माई पिल्ले सही थे, इनको छोड़ा जाके इनसे डर के जिएंगे कि वाला सुनी वाले प्रदर्शनी गया था अपने परिवार के साथ। तो एक शान कुमरे लड़का था जो 5-6 लड़कों के साथ में आया और झूले की जो जेंट्स की विंग होती है उससे कूद के महिला विंग में आके धक्का मुक्की करने लगा लड़कियों के साथ में। तो मैंने बोला तो मेरी पत्नी के साथ भी धक्का मुक्की करने की कोशिश करा और मेरे बेटे और भतीजे के साथ मारपीट करने की कोशिश करा और उसके बाद वो झूले वालों के सपोर्ट से भाग गए। अभी क्या लगता है जिस तरह से आए दिन शहर में घटनाएं बढ़ रही है, चाहे वो चोरी की घटना हो या फिर छेड़खानी की घटना हो, क्या लगता है आपको? अगर छेड़खानी की घटना है तो समाज के लिए ठीक भी नहीं है, चोरी की घटना का देखना पुलिस का काम है। अगर समाज की घटना में अगर छेड़खानी की घटना होगी तो ये पूरा समाज एक साथ में है, अगर उनपे कार्रवाई नहीं होती तो कल से वाराणसी बंद रहे। क्या कितने 2 दिन पहले घटना के परसों रात की घटना है और जब रात में एक जन को उसमें से उठाया गया तो वार्ड नंबर 4 के पार्षद अपने लोगों के साथ में आ गए और उसको बचाने की भरपूर कोशिश की और राजनीतिक संरक्षण उनको है ये तो तय है। भैया आपकी थाना प्रभारी से चर्चा हुई, क्या कहना है उनका? थाना प्रभारी का तो काम है ही बोलना ही है कि नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई नहीं होने की बात को लेकर आप लोगों ने नगर भ्रमण करने की भी चर्चा की है थाना प्रभारी से? हम क्या कर सकते हैं, अगर हम व्यापारी आदमी है, सामाजिक लोग हैं, हम कोई ऐसे तो है नहीं कि जाके खुद जाके अपनी माँ बहन को छिड़वा ले या जाके बेजबरदस्ती उलझ ले। हमारे पास चारा क्या, अगर व्यापार बंद करके फिर वही रोड पे सब व्यापारी को रोड पे आना पड़ेगा। देखो क्या है, ये असामाजिक तत्व तो रहेंगे क्योंकि रावण भी रहा है, दुर्योधन भी रहा है, पर इनसे सख्ती से निपटना, इनसे सख्ती से निपटना और सारे समाज को, जनता और नागरिकों को ये असामाजिक तत्वों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। इनकी ताकत को तभी हम कमजोर कर सकते हैं जब हम एकजुट रहें। मेरे पे आई तो मैं बोलूँगा वो निपटेगा खुद, ऐसा नहीं, समस्या का समाधान होना चाहिए। क्योंकि महिला से सुरक्षा का जुड़ा हुआ मामला, डॉक्टर साहब तो क्या लगता है आपको? अपन ने अभी बोले ना इस बात को, हम देख रहे हैं सारे भारत में क्या होता है, बलात्कार होता है, फिर लड़कियां मर जाती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। ये अपन ने ये बात रखी नहीं, इस बात को नहीं रखे, ऐसा नहीं है। कई बार देखा जाता है कि इन जो हुआ है सामाजिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण में प्राप्त होता है। भैया हम नहीं देते,
हमारी तो इसलिए लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलता है मैं सच को साथ दूंगा झूठ को, अरे भाई साहूकार है, चोर है तो साहूकार भी तो है ना, साहूकार के लिए कौन बोलेगा। देखो कुछ जैसे पुलिस के द्वारा एक मामला आया कि इसमें अपराध दर्ज अभी तक नहीं किया गया है जबकि घटना परसों की है, तो इसको लेकर के आपके द्वारा अगला कदम क्या अभी होगा? अगला कदम अभी हमने बोल दिया ना कार्रवाई होगी, मैं 6 लोगों को ला लिया हूँ। अब अगर TI साहब हम अपने से झूठ बोलेंगे इतने बड़े समाज से तो फिर प्रतिकार करेंगे उसका। क्या मानते कौन सी कार्रवाई होना चाहिए भाई? देखो इसमें छेड़छाड़ की कार्रवाई से ज्यादा बड़ी कोई कार्रवाई नहीं होती, जो नियम में है कि छेड़छाड़ ठीक है ना। रात में भी देखा जाता है, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए उनके खिलाफ, चौक चौराहों में भी। CIA ग्राउंड है, वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ पर एक कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ की घटना सामने आई है जिसमें व्यापारी वर्ग द्वारा शिकायत की गई है और मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। देखते हैं किस प्रकार का वाद विवाद है और इस बीच सघन जांच की जाएगी और दोषियों पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी के भी प्रयास हुए हैं मंदिरों में हो या स्कूल में हो, ये भी है तो सर इसके लिए क्या प्रयास है? इसके लिए मैं और हमारे थाना प्रभारी वारा सिंह द्वारा लगातार दिन में और रात में गश्त की जा रही है, ऐसे एंट्री चेक पॉइंट्स देखे जा रहे हैं जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हम CCTV लगाने के लिए हमने अपने सामाजिक संस्थाओं से भी चर्चा की है, आज भी एक सामाजिक संस्था से चर्चा की इस संबंध में और पुलिस ऊपर प्रबंधन से भी चर्चा करके हम अतिरिक्त कॉशियस रहेंगे, रात्रि गश्त बढ़ाएंगे। रात्रि की गश्त के दौरान पुलिस पर कुछ राजनीतिक प्रेशर रहता है ऐसा मानते हैं आप? नहीं, किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं है और सभी दबावों से परे जाकर प्रयास कर रहे हैं कि सभी वैधानिक कार्रवाई उसी प्रकार से। वहीं वारासिणी नगर में व्यापारी परिवारों के सदस्यों के द्वारा पूरे नगर का भ्रमण कर चिल्लर थोक व्यापारियों से बंद का समर्थन करने की भी अपील की। शाम में उक्त व्यापारी परिवार के सदस्यों के द्वारा लाउड स्पीकर के साथ ही नगर का भ्रमण कर प्रत्येक व्यापारी से उनके द्वारा किए गए बंद को समर्थन देने की अपील की गई। रहेगा बंद रहेगा, कल वारासिणी नगर दिन भर बंद रहेगा, बंद बंद बंद, कल वारासिणी नगर बंद, कल वारासिणी नगर बंद, वारा सिने नगर बंद, वारा सिने नगर बंद।